भक्ति सिद्धांत महाराज स्वयं उन्होंने गुरु स्वीकार किया। भक्ति सिद्धांत महाराज ना सरस्वती ठाकुर उनको बोला जाता है, सिंह गुरु उनको बोला जाता है, शेर की तरह दहाड़ते थे, अंग्रेज लोग डरते थे उनसे, ब्रिटिशर्स ना उनके सामने ठहर नहीं पाते थे, वो अपने वो गली बदल लेते थे, बोले भैया ये शेर आ रहा है ना, हम तो बकरियां हैं ना चूहे हैं, हम तो संभल नहीं पाएंगे इनके सामने, तो बदल लेते थे अपनी गली। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बुक लिखी है ना, ब्रह्म संहिता की ट्रांसलेशन दी है, आप खोलेंगे उसको तो पहला पन्ना पढ़ेंगे और बंद कर देंगे, बोले समझ नहीं आई, उसमें कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, कहीं कोमा ही नहीं है, वो चलता जा रहा धारा प्रवाह ना, ऐसा ट्रांसलेशन चलता जा रहा है। ये उनकी वाक पटुता थी, उनका उनकी प्रोफिशिएंसी थी लैंग्वेज के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। सिंध सूर्य सिद्धांत पर टीका दी थी भक्ति सिद्धांत महाराज ने, मगर ये भी जानते थे कि गुरु के बिना कोई गति नहीं है, तो अपने पिताजी के पास जाते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के पास और जाके बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दे दो। भक्तिविनोद ठाकुर बोले अरे मैं नहीं दे सकता, मैं तो बायोलॉजिकल पिता हूं आपका, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, आप इतने क्लोज हैं मुझसे तो हो सकता है आगे चल के कुछ अपराध कर दो। अब बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा पिताजी को टांग मारता रहता है, अब वही पिताजी आगे गुरुजी बन जाएंगे तो उसको तो बेचारे को गुरु अपराध लग जाएगा, बोले गुरु को टांग मारता था, तो नहीं मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। कहां से लेनी है दीक्षा? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। कौन थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज? एक ऐसे व्यक्ति जिनको लिखना नहीं आता, अपना नाम लिखना भी नहीं आता, भौतिक दृष्टिकोण से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उनके पास जाके दीक्षा लो। किसको बोला? भक्ति सिद्धांत महाराज को ना, जितने पटु हैं इतने विद्वान हैं, मगर भक्ति सिद्धांत महाराज गए उनके पास और याचना करी। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, बार बार बोलते थे, बोले गौरांग महापुरुष से पूछ के बताऊंगा तुम्हें दीक्षा देनी है कि नहीं, और बार बार उनको नकार देते थे, मगर भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े अडिग थे, दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा, पुनः पुनः जाकर उनसे याचना करते थे, भीख मांगते थे, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो। तो हमें शिक्षा दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज इस वर्णन से कि भक्ति में प्रगति किसी शिक्षा पे आधारित नहीं है, किसी ऐश्वर्य पे आधारित नहीं है, किसी तपस्या पे आधारित नहीं है, वो तो केवल और केवल गुरु के प्रति शरणागति पे आधारित है। तो वैष्णव कौन है? जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिबिर एदमान मदापुमान नैवार्ती अभिधा तुम वही त्वाम किंचन गोचरा। कैसा नहीं, कोई वैष्णव कुल में जन्म हुआ है तो वो वैष्णव है, ये इसको बहुत सारे श्लोक याद है, बहुत सुंदर वाणी में बोल सकता है, वो वैष्णव है। वैष्णव तो वही है जो भगवान के ऊपर अकिंचन रूप से निर्भर है, वही वैष्णव की परिभाषा है। तो इस प्रकार ये सारे आचार्य हमें शरणागति की ओर प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।